हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8.4 होता है। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। अगला प्रश्न है टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का पीएच मान 4.2 होता है। अगला प्रश्न है अंगूर का पीएच मान कितना होता है। तो अंगूर का पीएच मान 3.1 होता है। अगला प्रश्न है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। अगला प्रश्न है लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान जो है कि 6.5 होता है। कितना होता है लार का पीएच मान, 6.5 होता है। अगला प्रश्न है एपी कल्चर का संबंध किससे है। तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है वीटी कल्चर का संबंध किससे है। तो वीटी कल्चर का संबंध जो है अंगूर के खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पीसी कल्चर का संबंध किससे है। तो पीसी कल्चर का संबंध जो है मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सेरी कल्चर का संबंध किससे है, या रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, तो यह फलों का उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है ओलवी कल्चर का संबंध किससे है, या जैतून की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्लोरी का संबंध किससे है, तो फ्लोरी का संबंध फूलों की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है। तो सिल्वी कल्चर का संबंध जो है कि वन संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मेरी कल्चर का संबंध किससे है। तो मेरी कल्चर का संबंध जो है कि समुद्री जीव से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। तो गोरखपुर जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। चलते हैं अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है ट्रोपोफाइट। कौन है, ट्रोपोफाइट है। अगला प्रश्न है दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। तो हाइग्रोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन है, तो जेरोफाइट है। अगला प्रश्न है कि जल के अंदर उगने वाली वनस्पति कौन सा है, हाइड्रोफाइट है। यानी कि जल के अंदर जो वनस्पति उगती है उसे हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन है, तो मेसोफाइट है। कौन वनस्पति है, मेसोफाइट है। अगला प्रश्न है टुंड्रा कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन है। तो टुंड्रा कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति जो है कि क्रायोफाइट है। अगला प्रश्न है कि खारे पानी वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है, तो वह हैलोफाइट वनस्पति है। अगला है चट्टानों में उगने वाली वनस्पति कौन सी है, तो लिथोफाइट जो है कि चट्टानों में उगती है। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गहराई वाला स्थान कौन सा है, यह मेरियाना गर्त है। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक गहराई वाला स्थान कौन सा है, तो पुर्तो रिको गर्त है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में सर्वाधिक गहराई वाला स्थान कौन सा है, तो सुंडा गर्त है। यानी कि जो सुंडा गर्त है वह हिंद महासागर में सर्वाधिक गहराई वाला स्थान है। अगला प्रश्न है आर्कटिक महासागर में
सर्वाधिक गहराई वाला स्थान कौन सा है? यह यूरेशियन गर्त है। यूरेशियन गर्त जो है कि आर्कटिक महासागर में सर्वाधिक गहराई वाला स्थान है। अगला प्रश्न है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर जो है उसे हम स्वेज नहर कहते हैं। कौन सी नहर कहते हैं? स्वेज नहर। अगला प्रश्न है कि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित जल संधि को हम क्या कहते हैं? तो उस संधि को हम मलक्का जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मलक्का जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित जल संधि को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पाक संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित जल संधि है, उस संधि को हम क्या कहते हैं? जिब्राल्टर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर के मध्य स्थित जल संधि है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कोरिया जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य जल संधि को क्या कहते हैं? तो उस जल संधि को हम फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, मतलब नील नदी कहाँ से निकली हुई है? यह विक्टोरिया झील से निकली हुई है। अगला प्रश्न है अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल जो है कि लेगोविल फेरो है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है कि मानसरोवर झील से स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह मानसरोवर से इसका उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है कि सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है मास्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो मास्को मस्कवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है मास्को? मस्कवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम जो है कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो काहिरा जो है नील नदी के किनारे स्थित है। काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो टोक्यो अराकावा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है शंघाई किस नदी के किनारे स्थित है? तो शंघाई जो है कि हांगहो यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है मैड्रिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैड्रिक जो है मैजनसेस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? लाहौर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।